हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कश्मीर कार वंडरर। आज हम लेकर आए हैं एक डिटेल रिव्यू ऑफ द टाटा नेक्सॉन स्मार्ट ऑप्शनल वेरिएंट का। ये एक नया वेरिएंट है टाटा नेक्सॉन में जो इस साल इंट्रोड्यूस किया गया है 2024 में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्मार्ट ऑप्शनल में आपको क्या क्या मिलता है और ये इसको ऑप्शनल क्यों बनाता है। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। तो बिना कुछ देरी किए चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज़ चलिए सबसे पहले इसके ओवरऑल एक्सटीरियर लुक को देखते हैं। तो टाटा नेक्सॉन स्मार्ट ऑप्शनल में जो है, सबसे पहले आपको मैं डिज़ाइन के बारे में बताऊंगा। इसका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी इम्प्रेसिव है और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको बिल्कुल ही ज़बरदस्त हेडलाइट सामने से दिखेंगी। बिल्कुल ही ओवरऑल डिज़ाइन जो गाड़ी का है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है और वाइट में तो ये बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल दिखती है। और इसमें आपको जो है फ्रंट में LED DRLs मिलते हैं और पीछे भी आपको जो है LED टेल लैंप भी दिया हुआ है। तो काफ़ी बड़ी गाड़ी है, बहुत ही अच्छी लग रही है। तो चलिए गाइज अब फ्रंट से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जो है टाटा के लोगो की तरफ नज़र पड़ेगी। तो टाटा का प्रोमिनेंट लोगो है जो इसकी ब्रांडिंग को हाईलाइट करता है। तो उसके बगल में जो है आपको LED DRL का डिज़ाइन देखने को मिलेगा। ये देखिए बहुत ही स्लीक और मॉडर्न डिज़ाइन है LED DRL का। इसमें आपको हेडलैम्प्स की बात करें तो LED बेस्ड MRF हेडलाइट मिलती है। ब्राइट और एफिशिएंट है ये। साथ ही इसमें आपको जो है हेडलैम्प में इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स भी देखने को मिलेंगे। और नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो है फॉग लैंप्स जो है देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही ओवरऑल जो फ्रंट का लुक है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है और यहाँ पे टाटा के लोगों के दोनों साइड में आपको ग्लॉसी फिनिश देखने को मिलेगी। अब सीधा चलते हैं इसके साइड प्रोफाइल की तरफ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे इसके टायर्स की। तो इसमें आपको 16 इंच के ब्लैक स्टील रिम्स मिलते हैं। इसकी सपोर्टिव लुक्स को एनहेंस करते हैं ये वाले टायर्स। इसमें आपको जो है 215/60 R16 टायर्स देखने को मिलेंगे। और अगर फ्रंट सस्पेंशन की बात करें तो MacPherson स्ट्रट सस्पेंशन आपको देखने को मिलेगा। और रियर की बात करें तो यहाँ पे आपको सेमी इंडिपेंडेंट ट्विस्ट बीम देखने को मिलता है जो कि राइड क्वालिटी को स्मूथ बनाता है। और साथ ही आपको साइड बॉडी क्लैडिंग और व्हील आर्च क्लैडिंग से जो है एक रगड लुक इस गाड़ी में मिलता है। और साथ ही आपको ब्लैक कलर के डोर हैंडल्स आपको इसमें मिलेंगे जो कि बहुत ज़्यादा स्टाइलिश है। और पीछे भी आपको 215/60 R16 टायर साइज ही मिलता है। अब चलिए चलते हैं हम रियर प्रोफाइल की तरफ। तो रियर पार्ट में जो है आपको कनेक्टेड LED टेल लाइट मिलता है जो कि रियर लुक को एक और यूनिक टच देता है। ट्राई एरो सिग्नेचर LED डिज़ाइन है। साथ ही आपको इंटीग्रेटेड स्पॉयलर इसमें देखने को मिलेगा। इंटीग्रेटेड रियर स्पॉयलर इसको स्पोर्टी लुक जो है दे देता है। हाई माउंट स्टॉप लैंप LED बेस्ड है। और साथ ही आपको नीचे की तरफ जो है रियर पार्किंग सेंसर्स भी इंक्लूडेड हैं स्मार्ट ऑप्शनल में। अगर बूट स्पेस की बात करें तो बूट स्पेस काफ़ी एम्पल है। 382 लीटर्स का जो है बूट स्पेस है। अलॉन्ग विद दैट आपको यहाँ पे एक स्पेयर व्हील भी दिया गया है। और पीछे जो है आपको टाटा की बैजिंग के साथ नेक्सॉन की जो है 3D एम्बलम भी देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही ज़बरदस्त लुक देता है गाड़ी को। तो गाइज अब सीधा चलते हैं इसके ORVMs की तरफ। तो बेस वेरिएंट में आपको जो है ग्रेनाइट ब्लैक फिनिश के साथ जो है ORVMs मिलते हैं जिनमें आपको इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स देखने को मिलेंगे जो कि बेस मॉडल में होते ही नहीं है, जो सेफ्टी और विजिबिलिटी को बहुत ज़्यादा एनहेंस करते हैं। तो ये थी इन्फॉर्मेशन इसके ORVMs के बारे में। तो अब इसके बाद जो है सीधा चलते हैं इसके इंटीरियर की तरफ। और इंटीरियर में जो है सबसे पहले हम बात करेंगे इसके डोर की। तो डोर का जो है हमने ओपन किया तो डोर इंटीरियर प्लास्टिक जो है ब्लैक फिनिश में आपको मिलता है। और यहाँ पे आपको ORVM कंट्रोल्स भी मिलते हैं जो कि कन्वीनियंटली प्लेसड है। तो यहाँ पे आपको जो है डोर पे फ्रंट विंडो कंट्रोल्स देखने को मिलेंगे और बोतल होल्डर के लिए स्पेस आपको मिलती है। अम्ब्रेला के लिए आपको यहाँ पे स्पेस मिलती है। तो डोर का इंटीरियर जो है बिल्कुल ही ब्लैक कलर में दिया हुआ है। अगर बात करें इसके सीट्स की तो यहाँ पे आपको जो है फैब्रिक अपहोलिस्ट्री जो है दी हुई है और इसमें कोई लेदर फिनिश का ऑप्शन नहीं दिया गया है। साथ ही आपको जो है जो ये सीट है ड्राइवर सीट इसको आप जो है मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हैं। तो गाइज अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कीज़ दिखाऊंगा। आपको यहाँ पे जो है स्टैंडर्ड कीज़ मिलती है टाटा की तरफ से। और उसके बाद अगर हम बात करें इसके स्टीयरिंग व्हील की तो यहाँ पे आपको 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलता है विद पर्सोना बेस्ड फिनिश। और साथ ही इसमें आपको जो है इल्यूमिनेटेड लोगो मिलता है जो कि और स्टीयरिंग फंक्शन वेल इंटीग्रेटेड है
इसमें। तो बहुत ही ज़बरदस्त जो है क्वालिटी का आपको यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील मिलता है, और बेस वेरिएंट से ही आपको इल्यूमिनेटेड लोगो वाला जो है इसमें स्टीयरिंग व्हील मिलता है। एंड अब हम की इंसर्ट करेंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो यहाँ पे आपको जो है 4 इंचेस का LCD डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा, जिसमें आपको जो है एवरेज फ्यूल कंजप्शन, डिस्टेंस टू MPD और गियर इंडिकेटर्स जो है इसमें आपको देखने को मिलेंगे। प्लस इसमें आपको जो है स्पीडोमीटर, और साथ ही में जो है आपको दोनों साइड से आप देख रहे हैं 4 इंचेस का जो है LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसके ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों साइड में आपको RPM मीटर एंड, और साथ ही अगर इसकी स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा, इसमें आपको जो है टिल्टेबल स्टीयरिंग मिलती है, टेलीस्कोपिक आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगी। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसकी डैशबोर्ड और AC वेंट्स की। तो यहाँ पे जो है आपको ब्लैक कलर का डैशबोर्ड मिलता है, बहुत ही अच्छी खासी स्पेस आपको इसमें देखने को मिलेगी, आप इस पर बहुत सारी चीज़ें भी रख सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही बड़ा डैशबोर्ड है इसमें, एंड यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको सनग्लास होल्डर, और यहाँ पे जो है आपको सनशेड्स और वैनिटी मिरर के साथ सनशेड आपको रियर ड्राइवर को ड्राइवर सीट पे आपको देखने को मिलती है। प्लस यहाँ पे आपको मैनुअली एडजस्टेबल इंटीरियर रियर व्यू मिरर्स मिलते हैं, और यहाँ पे आपको अंदर जो है रीडिंग लाइट्स भी दी हुई हैं। अगर हम इसके AC वेंट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको ब्लैक कलर में AC वेंट्स दिए गए हैं 4, जिनमें आपको AC फंक्शन के बटन्स मिलते हैं जो कि मैनुअली आपको करना पड़ेगा। 3 नॉब्स दिए हुए हैं जिसमें आपको जो है AC को फंक्शन कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर थोड़ा सा नीचे जाएंगे हम तो यहाँ पे आपको और बटन्स देखने को मिलते हैं, बीच में यहाँ पे जो है आपको हैजार्ड स्विच मिलेगा, नीचे फ़ोन के लिए स्पेस, 12 वोल्ट का सॉकेट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। साथ ही अगर गियर नॉब की बात करें तो यहाँ पे आपको लेदर रैपिड गियर नॉब मिलता है, जिसमें आपको 5 गियर्स प्लस रिवर्स 6 गियर, और गियर नॉब के पीछे आपको जो है एक और नॉब मिलता है जिसमें आपको जो है राइडिंग मोड्स दिए गए हैं, स्पोर्ट्स, इको एंड, यही 3 मोड्स आपको इसमें मिलते हैं। उसके पीछे आपको जो है यहाँ पे ग्लास होल्डर दिया हुआ है, एंड उसके पीछे आपको थोड़ी बहुत और स्पेस दी गई है। साथ ही आपको सेंट्रल कंसोल में हैंड ब्रेक भी देखने को मिलेगी, तो अच्छा वेल प्लेस्ड है। बट एक चीज़ यहाँ पे मिसिंग है, वो है इसका आर्म रेस्ट। अगर आर्म रेस्ट होता तो बहुत ही ज़बरदस्त रहता। तो यहाँ पे आपको ग्लोव बॉक्स मिलता है, ये कोल्ड ग्लोव बॉक्स नहीं है, बट ग्लोव बॉक्स में आपको बहुत अच्छी खासी स्पेस मिलती है जो कि मुझे बहुत ही अच्छी लगी। तो 6 एयरबैग्स के साथ जो है ये गाड़ी आती है, तो ये मुझे जो है बढ़िया लगी। इसकी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अगर बात करें तो वो तो वैसे भी बहुत ज़बरदस्त है, 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग है इसमें चाइल्ड के लिए भी, और 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग है इसमें एडल्ट के लिए भी। तो गाइज़ अगर साथ ही इसकी कंफर्ट एंड सेफ्टी की बात करें तो फ्रंट स्पेस में आपको एम्पल लेग रूम मिलता है, बहुत ही अच्छा खासा स्पेस है फ्रंट के लिए, और हेड रूम भी इसमें बहुत ही ज़बरदस्त आपको मिलता है, सीट्स भी बहुत कंफर्टेबल है। और साथ ही अगर मैं इसके सेफ्टी फीचर्स की बात करूं, इसमें आपको 6 एयरबैग्स मिलते हैं, ABS विद EBD, ब्रेक असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम ESP जिसको बोलते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, रियर पार्किंग सेंसर, और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट इंक्लूडेड है जो कि बेस वेरिएंट में नहीं होते हैं। तो स्मार्ट ऑप्शनल का जो है यही एक मेन चीज़ है जिसमें आपको ये सारी चीज़ें मिलती है, लाइक इंडिकेटर्स, लाइक ये सेफ्टी फीचर्स, तो ये इसको जो है इसीलिए अलग बनाती है। तो अब फ्रंट का तो हमने डिटेल्ड किया सारा कुछ रिव्यू, अब चलते हैं बैक साइड की तरफ। तो यहाँ पे जो है बैक सीट भी बहुत ज़्यादा क्वाइट स्पेशियस है, उतना नहीं है जितना फ्रंट में होता है, बट यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत, तो यहाँ पे आपको जो है एडजस्ट करना पड़ेगा, लेग रूम थोड़ा बहुत कम है तो यहाँ पे आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। बट एक चीज़ है, पीछे की तरफ आपको जो है हेडरेस्ट दोनों तरफ मिलेगा, तो बीच में आपको जो है आर्म रेस्ट नहीं मिलता है, और AC भी मिसिंग है पीछे की तरफ, क्योंकि बेस वेरिएंट है, ये चीज़ अगर होती तो कॉस्ट ज़्यादा बढ़ता। तो साइड में आपको जो है ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं, ये भी एक सेफ्टी स्टैंडर्ड जो है इसमें ऐड किया हुआ, हर किसी गाड़ी में होते हैं तो इसमें भी आपको देखने को मिलेंगे। अब सीधा चलते हैं हम, पीछे का भी हमने जो है कंप्लीट कर लिया, तो अब बात करते हैं इसके इंजन की। तो जो मेन चीज़ है अभी हम उस पर बात करेंगे। तो अगर इसके इंजन की बात करें तो टाटा नेक्सॉन स्मार्ट ऑप्शनल में आपको जो है ये पेट्रोल वर्जन है, 1.2 लीटर टर्बोचार्जर्ड रेवेट्रॉन इंजन आपको इसमें देखने को मिलता है, जो कि 118 BHP का पावर प्रोड्यूस करता है एट द रेट 5500 RPM,
और 170 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क एट द रेट 1750 टू 4000 आरपीएम। तो माइलेज भी जो है इस इंजन की काफ़ी इंप्रेसिव है, 17.44 किलोमीटर पर लीटर की जो है एवरेज देती है ये, तो अच्छी खासी है, मतलब मुझे बहुत ही बढ़िया लगी इसकी एवरेज। तो प्रैक्टिकली भी जो है मैंने सुना है कि ये इतनी माइलेज दे देती है। तो ये थे इसके इंजन के डिटेल्स। अब बात करते हैं एट द एंड इसके कलर्स की और इसके ऑन रोड प्राइस की। तो गाइज इसमें अगर कलर्स की बात करें तो स्मार्ट ऑप्शनल में आपको सिर्फ तीन कलर्स ही देखने को मिलेंगे। एक तो ये वाला है कैलगरी वाइट जो है अभी हम जिसका वीडियो बना रहे हैं, दूसरा आपको फ्लेम रेड एंड तीसरा आपको जो है डेटोना ग्रे। तो यही तीन कलर ऑप्शंस अभी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। अगर इसके प्राइस की बात करें तो इसमें जो है एक शोरूम प्राइस 7.99 लाख का आपको ये पड़ने वाला है और जो है आपको ये अनंतनाग में 9 लाख रुपीज़ की ऑन रोड जो है गाड़ी पड़ने वाली। तो ठीक ठाक जो है इसमें आपको फीचर्स मिलते हैं। और साथ ही एक और चीज़ यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगा, इस वाले वेरियंट में आपको इन्फोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलेगा और साथ ही जो है इसके स्पीकर्स मिसिंग है और इन्फोटेनमेंट सिस्टम वो आपको आफ्टर मार्केट लगाना पड़ेगा। तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और अपनी गाड़ी बुक कर सकते हैं केवाई ऑटो से। तो यहाँ पे जो टाटा का शोरूम है वहाँ पे आप ये कर सकते हैं। तो लास्ट में जो है अगर आपको ये टाटा का नेक्सॉन स्मार्ट ऑप्शनल का वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।